नमस्कार भैया बहनों, मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग एक का पाठ एक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। पूर्व में हमने वह चिड़िया जो कविता पढ़ी थी और इसके व्याकरण संबंधी जो भी व्याकरणिक जो भी क्रियाएं थी वो हमने जानी थी और शब्दार्थ भी हमने देखे थे। आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले आपको सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग में आपको प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ वह चिड़िया जो कविता से लिया गया है। इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल ने एक छोटी चिड़िया व प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से मनुष्य के भीतरी गुणों को उजागर करने का कार्य किया है। फिर अपने को लिखनी होती है व्याख्या। जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हैं, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताया है कि वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को बड़े चाव से खाती हैं और उन थोड़े से दानों में ही वह संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती हैं और उसे अन्न से अर्थात अनाज से बहुत प्यार है। इसमें कवि ने संदेश दिया है कि चाहे जीवन में कम वस्तु ही हमें क्यों न मिले, उसी में हमें संतोष से अपना जीवन यापन करना चाहिए। फिर है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती हैं, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती हैं, उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित हैं, यानी जहाँ पे वह अपना जीवन यापन करती हैं उसी स्थान के प्रति वह अपने समर्पण का भाव व्यक्त करती हैं। उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। इसमें कवि ने मनुष्य को अकेले में भी खुशी से रहने का संदेश दिया है। यानी मनुष्य चाहे एकांत में रहे, चाहे उसे कहीं भी जीवन यापन करना पड़े, तब भी उसे अपने जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। फिर है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हैं, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें कवि ने चिड़िया के साहस का वर्णन किया है कि वह छोटी जरूर हैं परंतु साहसी है। कैसी है? साहसी। तभी वह जल से भरी नदी, यानी नदी जो बह रही है अपनी धुन में,
उस नदी के बीच से पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती हैं। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व है, यानी वो अपने आप पर गर्व करती हैं कि वह इतनी छोटी हैं किंतु फिर भी वह इतना साहसपूर्ण कार्य कर लेती हैं। चिड़िया नदी से बहुत प्यार करती हैं और वह नीले पंखों वाली हैं, अर्थात उसके पंख कैसे हैं, नीले हैं। इस काव्यांश में कवि ने कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना और कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए तो भी उसका साहस के साथ मुकाबला करने का संदेश दिया है। यानी हमारे जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए, चाहे कितनी ही बाधाएं आए, किंतु उन बाधाओं से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यही संदेश कवि चिड़िया के माध्यम से सभी मनुष्यों को देना चाहता है। अब हम एक बार पुनः व्याख्या देख लेते हैं। जैसे पहला अंतरा, तो पहले अंतरे की आपको ये व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, जो मैंने आपको पूर्व में बताया है, फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को चाव से खाती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह कैसी है, संतोषी है। उसका स्वभाव कैसा है, संतोषी है। फिर दूसरा अंतरा जो है, इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है। उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित है, यानी वो किसके लिए गा रही हैं, बूढ़े वन बाबा के खातिर गा रही हैं। जहाँ वह रहती है उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। और इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है। ये आपको लिखना है कॉपी में। आगे तीसरा अंतरा, इस पंक्ति में चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी जरूर है परंतु कैसी है, साहसी है। तभी वह जल से भरी नदी के बीच से पानी की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सभी भैया बहनों को ये प्रसंग व्याख्या और जो मैंने व्याकरण बताई है, जो भी व्याकरण मैंने बताई है, जैसे मैंने एक तो आपको क्रिया विशेषण बताया, और मैंने जो भी पाठ में आपके विशेषण शब्द आए, वो विशेषण शब्द मैंने बताए, वो भी आपको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग के बाद आपको क्या लिखनी है, व्याख्या, और व्याख्या के बाद आप एक विशेष करके नोट डालेंगे। और जो भी मैंने व्याकरण बताई है वो व्याकरण इसमें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार पॉइंट डालते हुए आप लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको व्याख्या बताई है वो आपको समझ में अवश्य आई होगी। धन्यवाद।